हाल चाल आई हो अच्छे होंगे। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आज का वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी KGF की कमाल की सुपर पावर्स। सही में पावर्स काफ़ी अच्छी थी बंदों की। लॉस सैंटोस के ऊपर उन्होंने अटैक करवाए, अपने बंदे आए भाई, एक तो आसमान से आए और ज़मीन से, मतलब अलग अलग आर्मी थी बंदों की, उन्होंने काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट करे। बट फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया जा करके ताकि बंदे रुक जाए, और फिर बाद में मैंने बाला वाले को ख़रीद करके दोनों भाइयों को पकड़ लिया। इस वक्त गैरी जो बंदे और बाला वाले उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। पता करा जा रहा है कौन उन सभी के पीछे है, मतलब कौन मेन बंदा है भाई, वो सब कुछ पता करने में हम लगे हुए। जल्द ही हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो देखते हैं आखिर कौन निकलने वाला है इनका, वो पापा और कौन है वो लिपस्टिक वाला बंदा। और भाई उसके बाद फिर एक और झटका मिलता है लेस्टर द नमूना। यार देखो उसको अपने मुकम्मल ने सारी सच्चाई बताई, मैं समझ सकता हूँ वो नाराज था। फिर वो घर छोड़कर चला गया, मेरे को ये पता था। फिर बाद में जब मैं रोबोटिक कार लेकर के आया, उसके बाद मैंने देखा हमारा लेस्टर भाई अपने दुश्मनों के साथ जा करके मिलके वहाँ पे गोल्ड की डील कर रहा था। ये उसको नहीं करना चाहिए था। ट्रेवर तूने सुना, ये बहुत गलत हो गया। तो भाई फिलहाल देखते हैं अभी क्या करने वाला है हमारे ट्रेवर भाई जी। फिलहाल एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी वोडी बना रहा है ताकि गुस्सा ज़्यादा बना रहे भाई, आराम से ख़त्म करेगा किसी को जा करके। लेस्टर अपना दोस्त है, उसको आराम से समझाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं भाई, चलिए आज क्या होने वाला है। काश यार लेस्टर सुधर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। ड्राइवर भाई जी प्लीज़ यार इसको नीचे रख दे अभी भाई, रोज़ इसको मेरे को लगता है पैसे की रिश्वत देनी पड़ेगी। अभी भाई मेरे पास आया मिलिट्री वालों का फ़ोन। फिलहाल अपने ड्राइवर की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, मतलब एक्सरसाइज भी कर रहा था, उससे पहले ही फ़ोन आया था। बंदों ने बोला कि ड्राइवर सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलिट्री बेस पर आइए जल्दी से। मिलिट्री वालों ने भाई बुलाया, वैसे मिलिट्री से कोई पंगा तो है नहीं, फिर भी जा करके चेक कर लेते भाई आखिर क्यों बुलाया, कोई वजह ही होगी। इसलिए निकलता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ, फ़ोन बहुत पहले आया था। बंदे सोचेंगे ड्राइवर के भाव बढ़ गए, आता ही नहीं है, उसको बुलाया हमने और आ ही नहीं रहा मिलने के लिए। तो चलिए निकल लेते हैं। और भाई फिलहाल गार्ड आपको बताइए है ही नहीं कोई भी, तो अभी यार घर खाली ठीक है, गार्ड्स होंगे ना तो फिर वो बेचारे मारे जाएंगे। ये सामने क्या रखा हुआ है, एक सेकंड यार ये क्या है, अरे बिट एंटीना है ना इसमें, ये बोबो कर रहा है यार। इसकी भौंकने की आवाज़ सच्ची है, मेरे को वहां पे तो नहीं आ रही थी, मैंने आपको बोला था ना इसकी आवाज़ काफ़ी कम है भौंकने की। अरे एंटीना बेटे क्या हुआ, ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई साहब, मेरे घर के बाहर पिंजरे में कोई बंद करके इसको छोड़ के चला गया। एक सेकंड, कोई है क्या मोहल्ले में आसपास, पूरा मोहल्ला खाली पड़ा यार, अगर कोई गार्ड होता तो मेरे को बता देता। टेंशन मत ले मैं तेरे को अभी खोलता हूँ। भाई एक काम करते हैं, गोली मार कर खोलना पड़ेगा, शायद से लॉक लगा हुआ है। और ऐसे चाबी वाबी किससे लूंगा मैं, तो एक काम करता हूँ थोड़ा पीछे हट जाए एंटी ने, नहीं तो गोली लग जाएगी। मैं तेरे इस पिंजरे को खोलता हूँ आराम से, ठीक है ना, अभी टूट जाएगा एक मिनट में। भाई प्यारा प्यारा एंटीना बाहर आ चुका है बेचारा, देखो कैसे घूम रहा है। रे तुझे पिंजरे बंद करा किसने करा तेरे साथ, ये तुझे तो लेस्टर लेकर के चला गया था ना। ये लेस्टर भाई साहब क्या करके आ रहा है भाई साहब। फिलहाल देखो अच्छी बात क्या है, गोली मारने से पिंजरा टूट गया। चल तू मेरे पास आ, मैं तेरे को खाना वाना खिला दो। भाई क्या बताए कितनी देर से यहाँ पे होगा, सच्ची में भाई मेरे को बिल्कुल आवाज़ नहीं है इसकी भौंकने की। आपको आई थी क्या, नहीं मुझे नहीं आई, तो भाई आपको भी नहीं आई होगी। सच्ची में इतना आराम से भौंकता है यार, थोड़ा तेज़ भौंका कर और देखो चलता कैसे है। अबे भाई तू सच्ची में इतना छोटा साइज़ का है, अब तेरी हाइट कैसे बढ़ाऊँ मैं, तेरे को कैप्सूल खिलाने पड़ेंगे क्योंकि तू थोड़ा बढ़ जाएगा तो तेरी आवाज़ सही हो जाएगी, तू भाग तेज सकता है। देखो कैसे चल रहा है, बड़े आराम से ठुमक ठुमक करके, वैसे इसीलिए तो क्यूट लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अभी समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। मैं एक काम करता हूँ मैरी को फ़ोन करता हूँ। मैरी एक काम करो, मेरे को बता जल्दी से मेरे घर के कैमरास को चेक करके। मैं अभी घर से निकलने वाला था, घर के बाहर पिंजरे में एंटीना, ये कौन छोड़ गया इसको, ये अपना ही है किसी और का है। फिलहाल मैंने फ़ोन करके बोल दिया है अपनी प्यारी मैरी को, पहले तो भीड़ चल रही थी फिर बाद में बातें हो चुकी है। एंटीना आ जा बेटे, आ तेरे को मैं खाना वाना खिला देता हूँ, बट फिलहाल मेरे घर पर अभी कोई डॉग फूड है ही नहीं भाई, मैं मंगवा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी लाइफ में कोई डॉग ही नहीं है, तो इसलिए डॉग फूड है ही नहीं। तो टेंशन मत ले, तुझे भूखा नहीं रखूंगा मैं, तेरे लिए खाना मंगवा लेता हूँ। वो सामने बंदा काम कर रहा है उसको बोल दूंगा, और यार फिर इसके लिए गार्ड भी मेरे को मंगाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये घर पर आ चुका है तो ये घर पर ही रहेगा मेरे। पता नहीं कौन छोड़ गया, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल ही जाएगा, तू टेंशन मत ले सब सही हो जाएगा। लेस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने तेरे को यहाँ पे छोड़ दिया होगा मेरे पास में, मतलब KGF के साथ ज्वाइन क्या कर लिया उसने, अपने क्यूट से डॉगी को छोड़ दिया, पहले तो रो रहा था इसके लिए प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है उसको बचा ले ड्राइवर, और आज ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत पीटूंगा, बहुत ज़्यादा पीटूंगा। आ जा बेटे आ जा, अभी इसको पिंजरे से बाहर निकलना था, इसका मतलब अभी मेरे को आवाज़ लगा रहा था, ड्राइवर मेरे को निकाल घर से बाहर, निकाल, इसको मेरी स्मेल आ रही होगी ना क्योंकि मैं अभी घर पर ही था, तो इसलिए भाई इसने पिंजरे में से शोर मचा के रखा हुआ था। चलो अच्छी बात है, मैं यार इसी रास्ते से गया, अगर मैं इधर से घर से बाहर निकलता तो ये पिंजरे में बंद रह जाता, और क्या होता कब तक पिंजरे में बंद रहता, बहुत बुरा होता। एंटी ने आ जल्दी से खाना वाना खिलवा देता हूँ तेरे को, मैं मंगवा देता हूँ, फिर उसके बाद देख मेरे को निकलना पड़ेगा, तुझे घर पे अकेला रहना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, प्लीज़ घर पे अकेला रह ले। भाई अभी मैंने एंटीना को घर के अंदर पहुंचा दिया बंदोबस्त में। मेरे घर में आपको बता काफ़ी स्टाफ काम करने वाले बंदे, खाना बनाने वाले वगैरह वगैरह, छोटा सा क्यूट सा डॉगी है उसको कौन नहीं रखेगा।
उसको आराम से रख लिया, बोला ड्राइवर सर आप जाइए, इसकी केयर हम करेंगे, तो भाई आराम से उसको खाना पीना खिलाएंगे, नहलाएंगे और सुला देंगे। मेरे घर में भाई कम से कम 10 से ऊपर बंदे काम करते हैं, आपको बताइए सारे के सारे, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सफाई करने वाला, तो मेरा स्टाफ उसको आराम से रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सब कुछ समझा दिया है। फिलहाल मेरे पास मिलिट्री वालों को दोबारा फोन आया, इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मेरी से ही बात हो चुकी है भाई साहब, अपना ही एंटीना है कन्फर्म हो चुका है। और ये भाई बंदे आए, काले कलर की कार थी, उसमें ब्लैक शीशे, मतलब ब्लैक ही कार, ब्लैक शीशे, अंदर से बंदों ने मास्क लगा के रखा हुआ था, आराम से ओली खिड़की डाल करके चले गए इसको रोड पे, बस मतलब मेरे घर पे यहीं पे। बंदे गाड़ी से बाहर भी नहीं उतरे भाई, अमेजिंग लेवल है, तो इसलिए बंदों को देख ही नहीं पाए, और वैसे देखा भी थोड़ा बहुत, बट वो फेस पे मास्क है, तो मुझे लगता है KGF के बंदे, क्योंकि पहले भी KGF के बंदों ने मास्क लगा करके उल्टा काम करके रखा हुआ है, आपको याद ही है, लेस्टर को भी किडनैप करा था बंदों ने मास्क ही लगा करके, तो ये सारा काम लेस्टर का ही है। मैं उसको बहुत पीटने वाला हूँ अगर उसने सच में जानबूझ के एंटीनो को ऐसे छोड़ा होगा, अपने से दूर कर दिया भाई पावर्स के चक्कर में, दुश्मनों के साथ क्या मिल गया, डोगी को भूल गया, तेरे को देखूंगा मैं। चलो यार सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता ही था एंटीना मेरे पास में आ जाए, क्योंकि ट्रेवर को कोई कंपनी चाहिए थी, ट्रेवर अभी काफी अकेला है। भाई मैं पहुंच चुका हूँ हमारे प्यारे मिलिट्री वाले बंदों के पास में, चलिए जल्दी से इनसे पता कर लेता हूँ कि भाई आखिर क्या ऐसी बात हो गई है। देखो मैंने कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करा, कभी मेरे ऊपर कोई ब्लेम डाल दे किसी काम का। ओके भाई काफी बंदे खड़े, वो भी अलर्ट खड़े हुए बहुत ही ज्यादा। हेलो ऑफिसर्स, देखिए प्लीज यार मैंने कुछ किया नहीं है, अब की बार में आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे बताइए फटाफट से। बंदों से बातें हो चुकी है, ये बात ठीक नहीं कर रहा लेस्टर, ये मुझे बोलते हैं ट्रेवर सर आपके फ्रेंड लेस्टर ने कुछ KGF के बंदों के साथ मिलकर के, जो कि एक नई माफिया है फिलहाल शहर में, उन्होंने सभी ने हमें धमकी दी है, मिलिट्री वालों को धमकी दी है, इतना दम आ गया उन लोगों में। उन्होंने बोला अगर मिलिट्री वालों ने उनको अपने सीक्रेट कोड्स नहीं दिए जिनसे हमारा डेटा सर्वर एक्सेस होता है, तो वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, मतलब हमसे हमारे सर्वर को एक्सेस करने के लिए कोड्स मांग रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती ट्रेवर सर, हमें धमकी दी जा रही है, अब बताइए आप क्या करना है। आपका दोस्त है इसलिए हमने आपको बुलाया, क्या आप उससे बात करके उसको समझा सकते हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री ने अटैक करना शुरू करा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको खत्म किया जाएगा। ए लेस्टर कैसे कैसे काम कर रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मिलिट्री को धमकी देके इनके एक्सेस कोड मांग रहा है ताकि इनके पूरे सर्वर्स को चेक कर सके, इनकी प्राइवेट मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन चेक कर सके, पहला काम ये करा। और भाई अपने एंटीना को उसने लावारिस की तरह छोड़ दिया, ये दोनों काम ही भाई अजीब से कर दिए लेस्टर ने, पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या वजह हो करके रखी है ये। KGF भाई सभी को पागल बना देती है क्या, मतलब इसका माइंड ऐसा कर दिया, ये दोस्तों को पहचान रहा, जिसको भाई अपने डॉगी को इतना प्यार किया उसने, उसको ऐसी फेंक गया, 1% अगर मैं उसको नहीं लेता तो उसका तो बुरा हाल हो जाता, पिंजरे बंद हुए हुए। चलो अच्छी बात ये भी है मेरे पास छोड़ दिया भाई, अगर उसको रोड पे छोड़ देता है भगा देता तो फिर तो वो बिल्कुल बेकार लावारिस ही हो जाता, फिर तो पता नहीं कौन उसको एडोप्ट करता नहीं करता, फिर वो रोड पे ऐसे घूमता घूमता भूखा प्यासा होता मर जाता। अच्छा हुआ चलो उसने कम से कम मेरे पास तो छोड़ा उसको, फिलहाल अभी भी उसके अंदर थोड़ा बहुत दिल है, बट उसके ये काम नहीं करने चाहिए। ये मिलिट्री से पंगा लेकर के फंस गया, ये फंस गया मुर्गा, अब कटने वाला है, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मिलिट्री से पंगा लेना मैं भी नहीं सोचता। ये लेस्टर कौन सी इतनी बड़ी तोप है, ये डेढ़ पैर वाली तोप कहाँ तक चल के जाएगी। मैरी से सारी की सारी बातें हो चुकी है, मैरी ने मेरे को अभी एक इन्फॉर्मेशन दी है भाई, ये लेस्टर सच्ची में बहुत उल्टे काम कर रहा है, पता नहीं वो किस वजह से कर रहा है, पता तो हम कर ही लेंगे। पॉइंट ये है वो काफी बंदों के साथ घुस चुका है एक बैंक में, जो कि बैंक पड़ता है भाई माउंट चिलड़ की तरफ, मेरे को वापस घूम करके जाना पड़ेगा, फटाफट से गाड़ी घुमाता हूँ और पहुंचता हूँ वहीं पे। बैंक में रोबरी करने के लिए गया है भाई, लेस्टर के इतने बुरे दिन तो आ गए नहीं, मतलब KGF के इतने बुरे दिन भी नहीं है कि वो रोबरी करके खर्चा चलाए, कुछ और वजह है, जल्दी पहुंचता हूँ, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। गाड़ी बैठी आया मजा भाई, मैं पहुंच चुका हूँ बैंक में, मुझे लगता है मेरे आने से पहले यहाँ पे तो काफी बड़ा बड़ा काम हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ओके अरे अरे ये तो पूरे पूरे अलर्ट है, इसका मतलब रोबरी चल रही है अंदर अभी भी। हेलो ऑफिसर्स, देखो मेरा कुछ इस काम में लेना देना तो नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लीज आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दोगे। देखो यार अभी पुलिस से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है कि वो सारी बातें मुझसे शेयर करे, बट फिर भी कोशिश करूंगा पूछने की, क्या पता बंदे भाई कुछ बता दे। आपको पता ट्रेवर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ट्रेवर मतलब लॉस सैंटोस में उस टाइम पे काफी फेमस हो गया था, तो फिर इस पुलिस वाले से पता करता हूँ। चाचा जी मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, ये क्या चल रहा है बैंक में, कंफर्म कर लेता हूँ भाई इसी में रोबरी चल रही है नहीं चल रही है, सारी चीजें जैसे भी है मैंने सब कंफर्म कर लिया, बंदे ने बता दिया बहुत अच्छी बात ये है। अब तो फिर नमूना किसके ऊपर एम कर रहा है, पागल होकर के रखा हुआ है, पता नहीं आ रही है, पुलिस वाले भी इतने अलर्ट खड़े हुए जैसे फिर से रोबरी होने वाली है। रोबरी हो चुकी है भाई, लेस्टर तो नहीं आया था बट कुछ बंदे आए थे, सभी ये बोल रहे पुलिस वाले ब्लू टी शर्ट में थे, मास्क लगा के रखा हुआ था, मैं समझ गया KGF के बंदे थे। इनके हिसाब से भाई यहाँ पे रोबरी करके वो जा चुके हैं, तो ठीक है फिर पता नहीं है क्या पुलिस वाले करके आ रहे हैं। ओके भाई एक पुलिस वाला यहाँ पे लगता है बैंक मैनेजर है, इससे बातें कर रहा है। मैंने इस बैंक मैनेजर से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है भाई, ये लेस्टर सच में कुछ तो ढूंढ रहा है या कुछ पाना चाहता है, ये मम्मी के लिए है या कुछ और चीज़, आपको पता है मम्मी अभी तक नहीं मिली, वो गायब है, तो कहीं लेस्टर भी तो उसमें हेल्प नहीं कर रहा ना, क्योंकि भाई बैंक में एक सिंगल डॉलर भी चोरी नहीं हुआ ऐसा बैंक मैनेजर ने बोला, इसने सब कुछ चेक कर लिया।
बट यहाँ के सारे लॉकर्स तोड़ दिए गए हैं। लॉकर्स में सॉरी फाइल है, जिसके लॉकर्स में जो कुछ भी था सब कुछ चोरी कर लिया। बैंक का वॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैश सही है, लॉकर्स लूटे गए भाई। और लॉकर्स आपको पता है क्यों लूटे हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब कोई ना कोई लॉकर में यहाँ पे कोई काम की चीज़ होगी। तो केजीएफ ने सोचा क्यों ना एक दो के चक्कर में हम सारी लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा ना भाई, सभी लॉकर्स को एक एक करके चेक करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इन्होंने सभी लॉकर्स को तोड़ा, सारा माल भरा, अब आराम से चेक करते रहेंगे भाई। सारे लॉकर्स ही लूट करके ले गए भाई। लेस्टर आके ढूंढ क्या रहा है, मैरी को बोलना पड़ेगा। मैरी एक काम कर, पता लगा इस वाले बैंक में ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन है और किस किस बंदे के लॉकर थे। मैरी को मैंने सारी बातें बोल दी, मैरी काम पर लग गई है, बट भाई जल्दी से मेरे को एक जगह पे जाना पड़ेगा। मैरी ने बोला ट्रेवर अगर जल्दी तुम नहीं गए ना तो तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए मर जाएगा। माइकल को कुछ बंदों ने एक जगह पे भाई बांध के रखा हुआ है, वो भी अलग जगह पे। अच्छा हुआ मैरी ने वहाँ के कैमराज को चेक कर लिया, क्योंकि पूरे शहर के कैमराज को चेक करती रहती है। इसकी नज़र पड़ गई भाई उस कैमरे पे, नहीं तो माइकल की नज़र, मतलब उसकी नज़र नहीं पड़ती तो माइकल निकल लेता पूरे भाई, अपने दुनिया छोड़ करके बहुत बुरा हो जाता। माइकल को किसने किडनैप कर लिया? अरे रे रे रे, आपको याद है कल बंदे, गोल्ड वाले बंदे, डायमंड वाले बंदे, जिनको अपना पैसा दे दिया था माइकल ने बेवकूफ ने, कभी उन्होंने तो नहीं पकड़ लिया ना भाई। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पे, तो यही मेरे को जगह बोली थी हमारी मैरी ने। ओके भाई ओके, एक सेकंड, बंदे मेरे को दिख भी गए, तो ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ना बंदों को मेरी आवाज़ आ जाएगी। ये माइकल भी ना कहाँ कहाँ में फंस जाता है, ड्राइवर जल्दी से घूम करके जा। तो फिलहाल माइकल है या नहीं है वो तो मेरे को अभी दिखाई दिया नहीं है, बट बंदे मेरे को दिखाई दे गए और किसी के ऊपर गन पॉइंट तो ज़रूर करने में लगे हुए बंदे। तो मुझे लगता है माइकल दूसरी तरफ है, तो इसलिए मैं ध्यान से देखकर गोली चलाऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे बेटा, इतना मारूंगा माइकल, टेंशन मत ले, ये ले। अबे मेरी तरफ भी गोली मारने की कोशिश कर देते, मतलब भाई उतना उसके ऊपर ध्यान लगा के रखा हुआ है, मेरी तरफ घूमे ही नहीं बंदे। बट फिलहाल मैंने सभी को मार दिया। माइकल टेंशन मत ले, तेरे से गर्मी लग रही होगी, अरे अरे कितनी आग लगी हुई यहाँ पर, ये बंदे क्या करने में लग रहे हैं। तो टेंशन मत ले, तेरा दोस्त अभी यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से इसको छुड़ाता हूँ और इससे पता करता हूँ। माइकल को मैंने छुड़ा लिया है। माइकल बोल रहा है थैंक यू ट्रेवर यार, तू आ गया बचाने के लिए, नहीं तो मैंने नहीं सोचा था कि तू आ जाएगा। आज तो मैंने सोचा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, थैंक यू मेरे दोस्त बचाने के लिए। अबे माइकल तो टेंशन ना ले यार, तेरे लिए तो मैं इतने दूर से वापस आया हूँ, पता है तुझे, तो मेरी आंखों के सामने मर गया था और मैं तेरे को बचा नहीं पाया था। अब इसको क्या बताओ यार, ये यकीन नहीं करेगा। आपको याद है माइकल कैसे मरा था? प्लेन के सामने इसको बांध के रखा हुआ था और प्लेन को क्रैश कर दिया था और माइकल मर गया था बेचारा, अपने हैप्पी बर्थडे के दिन ही मरा था। दुनिया में बहुत कम ऐसे बंदे होते बेचारा, अल्लाह की बोलूंगा मैं इसको, मतलब इसका लक इतना घटिया, बर्थडे के दिन ही डेथ डे हो गया इसका, बहुत बुरा हुआ। मेरे प्यारे माइकल तू टेंशन नहीं ले, जब तक तेरा दोस्त तेरे साथ है ना तुझे कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी, तेरा दोस्त है, बात खत्म, भूल जा, आराम से सो। वैसे तू यहाँ तक कैसे पहुँचा जरा बता रहे, कष्ट करेगा, कौन थे बंदे, ये जगह देखा है तू? बस तेरी किस्मत अच्छी थी जो मैरी ने यहाँ पे देख लिया, यहाँ के आसपास में पड़ोस में किसी के घर पे एक कैमरा है जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, उसी की वजह से देखा गया भाई, नहीं तो यहाँ पे इस कबाड़ में तो कैमरा नहीं है एक भी, दूर के कैमरे से जूम करके देख लिया हमने, नहीं तो आज तो तू गया था। अब बता मेरे भाई क्या दिक्कत थी सारी? भाई माइकल मुझे बोल रहा है कि भाई ट्रेवर बहुत बुरा हुआ, तू सच्ची में यकीन नहीं करेगा। तो फिलहाल भाई चलिए इसका फ्लैशबैक देख लेते हैं, ये मेरे को बता रहा है सारी बातें। तो ठीक है भाई, बताना शुरू कर अपने प्यारे माइकल फ्लैशबैक, देखते हैं भाई आखिर हुआ क्या, मतलब ये माइकल यहाँ पे पहुंचा कैसे, ये घर पे था, फिर बोला इसके पास फोन आया, चलो देखते हैं भाई इसका फ्लैशबैक। भाई माइकल का फ्लैशबैक शुरू हो चुका है। माइकल नमूना घर पर है, स्मोकिंग कर रहा है, अबे नमूने सुधरेगा नहीं। और पीछे हमारी प्यारी एमेंडा धूप लेने में लगी है। हेलो एमेंडा जी, मेरे हेलो कहते ही बोली ये तो कोई बात नहीं होती। वाह भाई वाह, हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं। अबे माइकल नमूने तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को यही बोल रही होगी तो स्मोकिंग क्यों कर रहा है। तो फिलहाल चलिए भाई अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है हमारे माइकल भैया के पास, क्या होगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अभी अच्छी बात क्या है, सारी फैमिली भी जिंदा है, एमेंडा भी जिंदा हो गई, सारे बंदे नहीं तो भाई सब ही मर गए थे, देखा जाए तो फैमिली पूरी बर्बाद हो गई थी। ये कितनी बातें करेगी एमेंडा तो से भाई, सीधी सी बात है, खैर वाइफ और हस्बैंड है, बातें चलती रहती है, हम बीच में कबाब में हड्डी बन रहे, सही बात तो यही है, बट फिर भी क्या करें यार, देखना पड़ेगा। माइकल ब्रो कब तक सिगरेट पिएगा, कितना लंबा फ्लैशबैक बोलेगा, मुद्दे पे आ फटाफट। भाई माइकल के पास अभी लेस्टर ने फोन किया और इसको बुलाया है भाई पार्टी वाले घर पर, मतलब जो अभी हमने घर खरीदा है कुछ टाइम पहले, आपको याद है माइकल के अकाउंट में $100 million ट्रांसफर करे थे केजीएफ ने कुछ टाइम पहले, और जिससे इसने घर लिया था उसी घर पर बुलाया लेस्टर ने। चलिए भाई फटाफट से, ओके माइकल चल पड़ा। हेलो एमेंडा जी बाय, फिर कभी मिलेंगे, आप धूप ले लो आराम से, और ज़्यादा धूप मत ले लेना, कभी काली हो जाओ। तो फिलहाल चलिए निकल लेते हैं। हेलो हेलो जी बेटा घर पर नहीं है भाई, ये जी बेटा कहाँ पर चला गया? चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीमी से वैसे हम कुछ लेना देने नहीं है, माइकल ब्रो भाग चुका है। अब ये गाड़ी ले ले, वैसे ही गाड़ी नहीं लेगा ये, आपको पता है इसकी वाइफ की कार है, अभी क्या पैदल जाएगा। ओहो जीमी ऑटो आ चुका है भाई, देख रहे हो साइकिल चला करके। आटे बेटे कैसा है तू? बहुत ही बढ़िया। अबे पापा आए हैं, हेलो हाय कुछ तो बोल।
ये होते बदतमीज बच्चे जो पापा से हाय हेलो कुछ नहीं बोलते घर पे आने जाने में। क्या सिखाया माइकल तूने इसको, मतलब सिखाया क्या तूने इसको, इस पर टाइम दे बेटे थोड़ा सा, मतलब यार कुछ बात ही नहीं है, कोई विश ही नहीं बोला, कैसा बेटा है इसका। ओके भाई फिलहाल ये अपनी थकी हुई गाड़ी में जाकर के बैठ चुका है। अपना माइकल नमूना 2-3 साल बाद पहुंच ही गया यहाँ पे, क्योंकि ऐसी गाड़ी लेकर के आएगा तो भाई ऐसा ही होने वाला है। ओके फिलहाल चलिए। अरे भाई साहब इतने बंदे, लेस्टर तो हवा में उड़ रहा है, और इस माइकल कुछ पता नहीं है कि इसने आजकल भाई उल्टा सीधा काम कर रखा है, सिर्फ ट्रेवर को ही पता है कि ये दुश्मनों के साथ काम कर रहा था। ओके भाई साहब लो माइकल पहुंच चुका है। आओ माइकल आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो मैंने कुछ बंदे लिए हैं किराए पर, क्योंकि अभी हमें हेल्प की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्त। तुझे नहीं पता ट्रेवर को किसी ने किडनैप कर लिया, मेरे भाई ट्रेवर को, अभी पता नहीं कैसे मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसके लिए मर जाऊंगा। प्लीज माइकल उसको बचा लो, तू भी मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें पता है मेरे पैरों से चला नहीं जाता, मेरे पैर खराब है, नहीं तो मैं खुद उसको बचा लेता, बट प्लीज अभी तुम्हें उसको बचाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज ट्रेवर को बचा लो। किडनैपर्स का फोन आया है, उनको एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, अगर तुम एक लैम्बोर्गिनी चुरा करके लेकर के आ जाओगे मैं तुम्हें जगह बताता हूँ, तो वो ट्रेवर को छोड़ देंगे। प्लीज माइकल मना मत करना। एक्टर बनने लायक है भाई तू। अबे नमूने ये क्या है भाई, कितना झूठ बोल रहा है ये, कितना झूठा बंदा है, और रो रो के यकीन दिला रहा है माइकल को। माइकल बेटे नहीं, इसकी बातों में मत फंसना, वैसे फंस ही गया होगा भाई नमूना, तभी तो बंद के रखा था वहां पे। माइकल नमूने में 250 ग्राम अकल है, 250 ग्राम ये इससे ऊपर नहीं होने वाली, क्योंकि इस नमूने ने बोला टेंशन मत ले मैं बचाऊंगा ट्रेवर को। वैसे इसको दोस्ती ही बोल सकते हैं, और अकल भी कम नहीं, सर अकल कम नहीं बोलेंगे, दोस्ती ही बोलेंगे। बेचारे ने ट्रेवर मुसीबत में सुनते ही हाँ बोल दिया काम के लिए, दोस्ती बोलेंगे, बट थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेता यार। तुझे पता नहीं है क्या, मैंने इसलिए इसको 250 ग्राम अकल बोली क्योंकि लेस्टर कभी ऐसा नहीं करता, लेस्टर कभी नहीं रोता वो, मतलब ऐसा तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। इसको यही बात पकड़ लेनी चाहिए कि आज लेस्टर कुछ ज़्यादा ओवर कर रहा है, दाल में कुछ काला है। अगर ट्रेवर होता वो समझ जाता, बट ये अपना नमूना नहीं समझा और ये निकल पड़ा है गाड़ी चुराने के लिए। तो लेस्टर ने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि गाड़ी मिलने वाली है एयरपोर्ट पर, जिसका एक ऑप्शन है वो गाड़ी, भाई पता नहीं किसकी हो सकती है, मेरे को भी नहीं पता, बट लैम्बोर्गिनी कार है इतना पक्का पता है। तो अभी एयरपोर्ट पर जाएगा और उल्टे काम मत कर माइकल, तेरे पास वॉच भी नहीं है, ये तेरे को किसी उल्टे सीधे केस में ना फंसा दे, क्योंकि मेरे को गड़बड़ लग रही है। इसने एक तो इतना बड़ा झूठ बोला, ड्राइवर को किडनैप कर लिया और बदले में गाड़ी मांग रहे हैं। वाह भाई बड़े सस्ते किडनैपर है, कुल 2-3 मिलियन की गाड़ी मांग रहे हैं ड्राइवर के बदले में। सस्ते ही है भाई, सस्ते ही बोलूँगा, क्योंकि ड्राइवर को किडनैप करने के बाद तो कितनी ज़्यादा डिमांड कर सकते हो, बट इन्होंने कुल गाड़ी मांगी। माइकल जगह पर पहुंच चुका है जहां से गाड़ी चुराने वाला है। माइकल की अकल अभी आप ज़्यादा बोल सकते हो, मैंने 250 ग्राम बोली थी, अभी आप 500 ग्राम बोल सकते हो, क्योंकि बंदे ने अपनी गाड़ी यूज नहीं करी, रास्ते में से चोरी की गाड़ी उठा के लेकर के आ गया, मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, आराम से गाड़ी में बैठा, स्टार्ट करी और लेकर के आ गया। इसको बोल सकते थोड़ी बहुत अकल तो है, अपनी गाड़ी यूज करेगा तो फंस जाएगा, सीधी सी बात है। तो फिलहाल यहाँ पे लैम्बोर्गिनी कहीं पर होने वाली है भाई, ये तो ऑक्शन लग के रखा हुआ है एयरपोर्ट पे। इस टाइप के ऑक्शन पहले हुआ करते थे, हाँ मैं भूल गया, 2020 में ऐसे ऑक्शन बहुत हुआ करते थे, ट्रेवर ने भी काफ़ी चीज़ें चुराई थी। आपको याद है इसी जगह पे एक बार भाई SRK का, शाहरुख खान का स्टैचू मिला था हमें गोल्ड का, जिसको ऑक्शन में हमने खरीदा था। हाँ मुझे याद आ गया, बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे मेरीवेदर का बॉस भी आया था। हाँ हाँ भाई तब हमने वो लिया था और हम जीत नहीं पाए थे बहुत मुश्किल से, क्योंकि आपको पता है ऑक्शन में बहुत ज़्यादा प्राइस वाला काम हो गया था, तो ट्रेवर हार गया था, बट बहुत पुरानी बात है वो। तो फिलहाल माइकल ब्रो ओके, तो गाड़ी दिख गई है इसको नमूने को, बेटे यहाँ से कैसे चुराएगा माइकल। FIV के इतने बंदे खड़े हुए हैं ऊपर से, इतने न्यूज़ वाले बंदे खड़े हुए हैं, एक काम कर मास्क वगैरह तो लगा ले, नहीं तो मरने वाला है। फिलहाल ये माइकल क्या करना क्या चाहता है भाई, घूम रहा है, मास्क लेकर के आया था ज़रूर होगा, मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, मतलब मेरे को भरोसा है इसके ऊपर। फिलहाल अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है, शायद से मास्क ले रहा हो गाड़ी में से, हो सकता है। ये माइकल नमूने के पास कद्दू कुछ नहीं है, मास्क नहीं है इसके पास, ऐसी गाड़ी के पास गया था, इसका मतलब टेंशन हो रही है इसको, कभी यहाँ घूम रहा है कभी वहाँ घूम रहा है। अबे मुद्दे पे आना यार माइकल, इतना लंबा फ्लैशबैक बताएगा तो कैसे काम चलने वाला है, मतलब बहुत लेट हो जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। आराम से करना क्या चाह रहा है, सीधा गाड़ी में बैठ रहा है। अबे पागल पिटेगा क्या, बहुत मारेगा तुझे। अरे भाई 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 बंदे ने गोली चला दी, ये मरने के काम करेगा तो ऐसे ही होगा भाई साहब, गाड़ी में बैठ के लेके भागना शुरू कर दिया इसने तो सीधा। ये सही है भाई, फंस गया एयरपोर्ट पे चोरी, वो भी ऑक्शन में चोरी। अब बच के दिखा बेटे माइकल, दोस्त का तो पता नहीं, तू खुद तो बच नहीं पाएगा। इसको ये नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी, इसको मास्क लगा के आना चाहिए था, कुछ तो आइडेंटिटी छुपा लेता ब्रो। ये देखो कैसे भाग रहे न्यूज़ वाले बंदे, अबे रिपोर्टर रुक जाओ, क्या हो गया, चोरी हो गई है, अब क्या हो गया। सही में भाई दंगा होता है नहीं, पहले ही भाग लेते हैं भाई। आ चुका है माइकल के पास ओवर एक्टिंग की दुकान का फोन। मैं लेस्टर को ओवर एक्टिंग की दुकान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है कुछ आजकल वो,
तो उस ओवर एक्टिंग की दुकान ने माइकल को बोला है, मेरे प्यारे माइकल थैंक यू, तूने ट्रेवर के लिए इतना सब कुछ करा, तो दोस्त नहीं है तो दोस्तों में महान है, ये है वो है। बहुत ज्यादा मक्खन आ गया उसके पास में, मक्खन की दुकान खोल ली है, उसने मक्खन लगाया जा रहा है इसको। तो पॉइंट अभी ये है भाई, उसने बोला है उसकी फैक्ट्री में ले जाकर गाड़ियों खड़ी कर देनी है, तो माइकल अभी ये गाड़ी उसकी फैक्ट्री में लेकर के जा रहा है और वहाँ पे खड़ी कर देगा, फिर पता नहीं उसके बाद ये क्या बोलने वाला है। तो माइकल वहाँ पे कैसे पहुंचा जहाँ पे अपने ड्राइवर ने इसको बचाया था? भाई अपना माइकल नाम का बकरा पहुंच गया फैक्ट्री पे गाड़ी को लेकर के। मैं इसको बकरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में लेस्टर इसको काटने ही वाला है, क्योंकि भाई तेरे को बकरा बना दिया उसने, बेवकूफ बना के तेरे को गाड़ी चोरी करवाई पता ना किस बंदे की। मुझे लगता है इसको रास्ते से हटाना चाहता है कि लेस्टर, या फिर कुछ और काम निकलवाना चाहता है इससे। वाह चाल देखो इसके नमूने की, एक सेकंड बाबू दिखाता हूँ। इसकी तो चाल है ना कतई 150-200 रुपये की तो है भाई, 150-200 रुपये तो मिलने चाहिए माइकल को एक्टिंग के लिए, क्योंकि इसने अपनी चाल कितनी प्रैक्टिस के बाद बनाई होगी। देख रहे हो जल्दी से हो नहीं पाएगी, इसकी एक्टिंग कॉपी करना इजी नहीं है। आप ट्रेवर की चाल चल सकते हो, फ्रैंकलिन की चल सकते हो, बट माइकल की चल के दिखाओ भाई, अमेजिंग लेवल है। हाथों के स्टाइल में देख रहे हो, एक हाथ ज़्यादा बाहर निकल के रखा है, एक हाथ कम बाहर निकल के रखा है, ऊपर से गर्दन एक बैलेंस में ऐसी जा रही है, ऊपर थोड़ा झुक करके चल रहा है, मतलब भाई इसकी एक्टिंग करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। माइकल ब्रो अमेजिंग है, गुड। फोन आता है लेस्टर का दोबारा से माइकल के पास, अब की बार इसको एक जगह पे जाने के लिए और बुलाए, और बुलाए वहाँ पर पहुँच फिर तेरे को अगला काम बताऊँ, क्योंकि किडनैपर्स ने फिर से एक और डिमांड रख दिया माइकल, बट अब की बार वो बोल रहे हैं कि बस ये लास्ट डिमांड है, इसको पूरी करते ट्रेवर को छोड़ दिया जाएगा। देखो भाई एक और डिमांड ऐड कर दी, तेरे को बेवकूफ बना रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? लगता है भाई अभी दूसरी जगह भी जाने वाला है, पहुंच चुका है जगह पे, अभी ये यहाँ पे एक बंदे को मारेगा भाई। अब पता नहीं कौन है ये बंदा। लेस्टर का फोन आ चुका है इसके पास, यहाँ पे आते ही लेस्टर ने बोला, माइकल यहाँ पे एक बंदा है, मैं उसका फोटो तुझे भेज रहा हूँ, प्लीज अपनी स्नाइपर निकाल करके उसको एकदम से मार दे मेरे दोस्त, और उसके बाद फिर मैं लेस्टर को मतलब कि ट्रेवर को लेकर के आ जाऊंगा, और फिर हम आराम से रहेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे दुश्मनों से बदला लेने के लिए। और ये माइकल नमूना इतना शरीफ है, ये फंस गया इसकी चाल में, और फिलहाल भाई इसने एम भी कर लिया, और मेरे को लगता है सामने यही टारगेट है। अबे नहीं माइकल प्लीज को मत मार, क्या पता है कौन हो सकता है, फिलहाल दिखने में तो भाई इसका फेस दिख नहीं रहा, बट इतना दिख रहा है टकला है। ले बेटे अरे भाई खत्म कर दिया इसने तो। अबे माइकल नमूने तेरा बहुत ही बुरा हो जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आती, उल्टे काम करने में लगवा है, मार के भाग लिया। वैसे कौन हो सकता है ये बंदा, आपको ये जगह याद आई है? अगर आपकी मेमोरी तेज होगी तो ये जगह पता है कौन सी है? अरे भाई बदमाश आ रहे माइकल को मारने के लिए, आप देख रहे हो कितने सारे बंदे भागते हुए आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया गोली कहाँ से चली है। अबे माइकल निकल ले बेटे, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। तो फिलहाल ये घर अपने गॉडफादर का होने वाला था फ्यूचर में, बट अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि गॉडफादर पहले ही मर गया, तो ये घर एक टाइम पे गॉडफादर खरीदता, अब नहीं खरीदेगा। सीधी सी बात है, खरीदने के लिए जिंदा होना चाहिए बंदा। लेस्टर का फिर से फोन आया माइकल के पास, अब इसको बोला है माइकल एक जगह भेजा, वहां पे तेरे लिए कुछ बंदे इंतजार कर रहे हैं, तेरे को एक सामान देंगे, वो चुपचाप ले लेना मेरे भाई, और उसके बाद फिर मैं तेरे को बाकी बातें बताऊंगा। भाई बकरा फाइनल जगह पे पहुंच चुका है कटने के लिए, ये वही जगह है जहां पे माइकल को बांध के रखा हुआ था, तो इसका मतलब माइकल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसके कुछ बंदे वेट कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे फंस जाएगा, सीधी सी बात है, और फिर मैं इसको बचाने के लिए आ जाऊंगा। तो पूरा फ्लैशबैक मैंने इसका देख लिया है, तो मतलब इसको यहाँ तक पहुँचाने का हाथ है लेस्टर का। फाइनली इसका फ्लैशबैक खत्म हो चुका है, तो फिलहाल भाई इसका तो बहुत बुरा नेता बनाया। अबे यार माइकल थोड़ी बहुत ताकत लगा लिया कर, थोड़ी बहुत लगा लिया कर, क्या बिल्कुल 250-300 ग्राम ही है क्या? उससे ऊपर है ही नहीं क्या? मतलब लेस्टर कभी ऐसा नहीं रोता, कभी भी नहीं रोता, वो भाई रोता ही नहीं है, वो ऐसे एक्टिंग तो करता ही नहीं है चाहे कोई भी मर जाए, वो बहुत कार्टून आदमी है, उसके बाद तो भरोसा मत कर। और तूने दो बार उसके ऊपर भरोसा करके गाड़ी चुराई, और पता नहीं किस बंदे को मार दिया, पता नहीं कौन था वो बंदा, तू फंस ना जाए भाई। चल फिलहाल मैं तेरे घर पर छोड़ देता हूँ, और हाँ प्लीज अब की बार थोड़ा सेफ रहना। चलिए अच्छी बात क्या है, बच गया भाई। तो इसका बंदा पता है लेस्टर ने इसको आखिर में यहाँ पे भेजा था जान से मारने के लिए, पहले इससे दो काम करवाए और फिर इसको भेजा ताकि फंस जाए और यहाँ पे मर जाए। ये तो अजीब काम कर रहा है लेस्टर ने यार, ये क्यों कर रहा है? आज सुबह से सारे काम उल्टे ही कर रहा है, स्टार्टिंग से ही काम गलत करे। पहले तो अपने क्यूट से टॉय को ऐसी लावारिस छोड़ दिया, चाहे ले जाओ चाहे लेस्टर, अगर 1% में उसको ना रखता फिर उसको क्या होता भाई? देख रहे हो मतलब पहले तो डॉगी के साथ उल्टा सीधा काम करा, फिर गवर्नमेंट से पंगा, मिलिट्री वालों से पंगा, भाई ये उसको भारी पड़ेगा। और भाई फिलहाल फिर उसने तीसरा जो पंगा लिया जो मैं आपको बोल ही रहा था, वो है मतलब कि दोस्तों से। वजह क्या है यार, अपने दोस्तों क्यों फंसा रहा है? माइकल को फंसा कर उसको मिलेगा क्या? वो तो खैर बाद में पता चली जाएगा। फिलहाल चलिए मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ ताकि सेफ रहे। अब के बाद बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि बार बार तो अगर ऐसे फंसता रहेगा मैं टाइम पे, अब की बार क्या पता ना आ पाऊँ और तेरा नेता बन जाए, इसलिए प्लीज अपना ख्याल रख भाई और अकल का यूज किया कर, समझ में आया ना? बार बार किसी की बातों में आ जाता है। मैंने भाई माइकल को इससे घर पर छोड़ दिया है, किस्मत बहुत अच्छी थी बच गया, नहीं तो बचने का तो मतलब ही नहीं था भाई। सिर्फ वो एक सिंगल कैमरे ने इसकी जान बचा दी, नहीं तो उस एरिया में कैमरा मिलने का मतलब ही नहीं है। पता नहीं कैसे मिल गया एक मैरियो कैमरा और इसी बच गई भाई, जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ। फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ। आपको मैंने कल एक बात बोली थी कि भाई मम्मी गायब है,
और मतलब मिलिट्री वाले बंदे पहले तो मम्मी का कॉफिन लेकर के बैठे हुए थे कहाँ पे, ह्यूमेन लैब में। फिर मैं ह्यूमेन लैब में दोबारा गया था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, ये बात आपको याद ही होगी। तो भाई मुझे ना इस बात में कुछ हजम नहीं हो रही, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बंदे कुछ तो ज़रूर खेल खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एरिया 51 में बंदे गए हैं। एरिया 51 के बारे में किसी को नहीं पता, माइकल को भी नहीं पता अभी तक, बट मुझे पता है। माइकल ने एक बार मेरे को दिखाया जब वो जनरल बन गया था, आपको याद ही होगा। तो क्यों ना एरिया 51 में निकलते हैं भाई, ज़रूर मुझे लगता है वहाँ पे कुछ तो हमें मिलने वाला है। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, चुपचाप वॉच के कितने फ़ायदे होते हैं, ट्रेवर तो कहीं पर भी आ जा सकता है। तो फिलहाल पहुँच गए हैं हम एरिया 51 में, काश कुछ काम की चीज़ मिल जाए। भाई बड़ा खाली खाली सा लग रहा है यार एरिया 51, इतना खाली तो आज तक कभी इसको देखा नहीं है। हेलो, कोई यहाँ पर है क्या? फिलहाल अच्छी बात है, चलो खाली पड़ा हुआ है। कुछ गड़बड़ चल रही है यार एरिया 51 में, बंदे नहीं आज। यहाँ पे एरिया 51 है, सामने की तरफ इनका स्टोर है। तो फिलहाल वहाँ पे मेरे को नहीं जाना, मेरे को यहाँ पर जाना है। आपको जगह याद आ गई हो, काफ़ी पुरानी बात नहीं है। तो फिलहाल चलो ड्राइवर, चलो चलो अंदर की तरफ निकलो। बंदे यार कमाल, कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जितने कम बंदे होंगे उतनी अच्छी बात है। बंदे वैसे होने चाहिए थे। ओके भाई साफ कर दो मेरे को, अबे गैस निकलनी चाहिए थी, पानी निकाल रहे यहाँ से। हेलो भाई जी, ओके भाई चलिए आगे की तरफ पहुँच चुके। केमिकल बोम है वैसे, यहाँ पे सारा चीज़ है, मतलब सारे माल यहाँ पर रखा हुआ है। तो फिलहाल भाई हाँ, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर ये बंदे रिसर्च करते हैं, ये इनका रिसर्च सेंटर है। फिलहाल यहाँ पे कुछ मतलब बंदे क्यों नहीं है, बड़ी अजीब बात होकर के रखी है। बाकी सारी चीज़ें एरिया 51 सेम है, कोई छुट्टी चल रही है या फिर कुछ और चीज़ होकर रखी है, या फिर भाई हाई अलर्ट है, या क्या चल क्या रहा है जो बंदे यहाँ से सारे हटा दिए गए हैं, वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। फिलहाल माइकल भाई ये क्या चल क्या रहा है यार। वैसे माइकल को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइकल का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, पहले था, पहले वो जनरल बन गया था। वैसे माइकल भी एक टाइम पे जनरल बनता, बट अभी बेचारा बनेगा नहीं बनेगा कभी। वैसे मैं उसको बनने नहीं दूंगा, क्योंकि माइकल के जनरल बनने के बाद ना हमारी मुसीबत काफ़ी बड़ी थी। जो फ्यूचर में पहली बार हमने गलतियाँ करी थी ना, वो दोबारा आपकी बार नहीं करेंगे। ओके यहाँ पे भाई काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ है भाई, मम्मी को इसमें तो रखा था। नहीं नहीं भाई यहाँ पे एलियन वगैरह रखा होगा शायद से, क्योंकि सामने आप देख रहे हो एलियन कंडा, ये हमारे शहर के मिलिट्री वाले तो मरवाते हैं लोस सैंटोस को, बताओ एलियनों को पाल रहे रख के। अबे भाई कोई खतरनाक एलियन निकल गया और वो यहाँ से छूट करके भाग गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा, ये बंदे मानते ही नहीं है। सामने ब्लैक ब्लैक क्या होकर के रखा है भाई, चलिए वहाँ पे जा करके देखते हैं आखिर सामने क्या चीज़ होकर रखी है। फिलहाल ये कुछ है या फिर ये ऐसे ही है भाई। ओके भाई ये सिर्फ एक दीवार है, वॉल है और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं अभी आगे तरफ जा करके देखता हूँ। भाई मुझे ऐसा लगता है कभी एरिया 51 के अलग जगह भी हो मिलिट्री वाले बंदों के पास और वहाँ पे मम्मी को लेकर के चले गए और सारे स्टाफ यहाँ का वहीं पे ले गए हो ताकि वहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो इसका मतलब एरिया 51 में भी नहीं रखा तो कहाँ पे लेकर के चले गए ये मिलिट्री वाले, इतने सीक्रेट तरीके से क्यों काम कर रहे हैं इस बार मम्मी के ऊपर। लास्ट टाइम तो मम्मी यार, वैसे लास्ट टाइम मम्मी ना उठ के गायब होकर जिंदा होकर आ गई थी ऑटोमेटिक मेरे पास ही, बट अब की बार वो नहीं आई, तो इस वजह से वो भाई बंदों के हाथ में लग गई पुलिस वालों के। तो अब की बार थोड़ा पास चेंज हुआ है, यही चेंज किया शायद से बाबा ने, अब की बार मम्मी को जिंदा नहीं होने दिया और वो जिंदा नहीं हुई तो पुलिस वालों के पास ही है और पुलिस वाले उसको ले गए सीक्रेट जगह पे। लास्ट टाइम वो आते ही पुलिस वालों के पास जिंदा हो गई थी और मेरे पास आ गई थी, गाड़ी में बैठी थी, आपको याद ही होगा जब मैंने घूम के देखा तो गाड़ी में मेरे पास थी भाई, तब दिखाई दी थी मेरे को। एरिया 51 से मैं होकर के आ चुका हूँ, माइकल के पास जाना पड़ेगा, बहुत बुरा काम हो गया। माइकल मेरे को फ़ोन करके बुला रहा है, प्लीज़ ड्राइवर जल्दी से आ जाए, पुलिस वाले को फ़ोन से सिर्फ बात करिए, अपने फ़ोन से बात नहीं करी। फंस गया भाई, मैंने बोला था नहीं लेते उसको फंसा रहा है किसी बड़ी चीज़ में, मेरा दोस्त फंस गया भाई। पुलिस वालों ने आके घर पे बहुत बड़ी रेड मारी है, उसको पकड़ लिया है, उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखे, बोल रहे हमारे साथ चलो नहीं तो खत्म कर देंगे। फिर उसने बोला मैं अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहता हूँ, मेरे को फ़ोन दे दीजिए, इसलिए मेरे को फ़ोन करा है, जल्दी से जाता हूँ। फंस गया भाई, पुलिस वाले से पता करता हूँ आखिर किस केस में उसको पकड़ के ले करके जा रहे हैं। भाई मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, कितने सारे पुलिस वाले बंदे। अरे ऑफिसर्स कुछ काम वगैरह है नहीं है क्या, पूरी की पूरी फोर्स यहीं पर आ जाएगी, ऐसे क्या कर दिया मेरे दोस्त ने। अरे कुछ किया ही नहीं इसने, एक लैम्बोर्गिनी चुराई है, मैं आपको पैसे देता हूँ, हो जाती है गलती कभी कभी इसके ऊपर, मतलब किसी ने जादू कर दिया था, काला जादू कर दिया था, पागल हो गया था, इस वजह से इसने ले ली गाड़ी चोरी कर ली। आप प्लीज़ समझा करो, ये अपने होश में नहीं था, ये पागल हो गया था थोड़े टाइम के लिए। ऑफिसर्स क्या दिक्कत हो गई रखे प्लीज़ बताओगे। मैंने ऑफिसर से बात कर ली है, माइकल को फिलहाल भाई जेल में जाने के लिए, मतलब जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता थोड़े टाइम के लिए, तो मतलब लोकल जेल में जाएगा, बड़ी में नहीं जाएगा शायद से। पॉइंट पता है क्या है, जिसने मतलब इसने जिस बंदे को मारा ना वो गंजा सा था भाई, जिसके ऊपर इसने गोली मारी थी स्नाइपर को यूज़ करके, वो प्रेसिडेंट का खास आदमी था, प्रेसिडेंट की वो एरिया था। वो फिलहाल वो घर ना प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है, जो अभी लॉस एंजेलिस के करंट के प्रेसिडेंट है, उनका खास बंदा वहाँ पर रहता था, उनके लिए काम करता था, और उसको मार दिया जा करके माइकल ने। वाह भाई वाह, और वहाँ सभी कैमराज में आ भी गया साफ साफ गोली मारते हुए और भागते हुए। सीधी सी बात है, खुले में जाएगा बिना मास्क के ऐसे मर्डर कर देगा तो कोई भी चेक कर लेगा, और पकड़ा गया। और अभी भाई छूट नहीं सकता, मैं अभी छुड़ा भी नहीं सकता, मैं छुड़ाऊंगा तो सीधी सी बात है इसके ऊपर साबित हो चुका है ना क्राइम, और इसने किया भी है भाई, ये कोई बात नहीं है। माइकल तू टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं तेरे को बचा लूँगा, बस मेरे को थोड़ा टाइम दे, कुछ ही घंटों का,
मैं तेरे लिए प्रूफ ऐसे लेकर के आऊंगा जिससे तेरे को छोड़ दिया जाएगा। मैं साबित कर दूंगा तेरे को ब्लैकमेल करा था सब कुछ करने के लिए, तब सही हो जाएगा, तो मेरे ऊपर छोड़ दे। तो फिलहाल भाई मेरे को अभी ना पकड़ना पड़ेगा लेस्टर को जल्दी से जल्दी, क्योंकि लेस्टर नाम की मुर्गी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बुरा कर रहा है यार, अपने दोस्त के ऊपर हमला कर रहा है। देखो इसको चाहे जो करना था कर लेता KGF के साथ मिलकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इसको पावर चाहिए थी ले लेता, हमसे क्यों पंगा ले रहा है फिर, अलग जाना था ना उसको, चला जाता उसके बाद मना लेता। मेरे रास्ते में आ रहा है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जो बंदा मेरे रास्ते में आता है फिर मुझे गुस्सा आता है। अगर वो अलग अपना काम करता तो करना चाहिए था, कर ले भाई कोई बात नहीं, उसका वो जिद है, गुस्सा आता थोड़े दिन बाद शांत हो जाता, बट बता प्रॉब्लम ये है मुझसे पंगा लिए जा रहा है बार बार, फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है, और फैमिली को आपको बताया कि अटैक करता है तो फिर आपको बताइए, ड्राइवर उसको नहीं छोड़ता बिल्कुल। लेस्टर का फोन आता है मेरे पास, वाह, मेरे को फोन करके बोलता है कि ड्राइवर मेरे दोनों बॉस को छोड़ दे। बॉस देख रहे हो, बॉस बता रहा है मुकेम्बो को और विजय को, सच्ची में यार इतनी सी वैल्यू रह गई तेरी बस मेरे प्यारे यार लेस्टर। बॉस बता रहा है मुकेम्बो दुश्मन को और उसको विजय को, मेरे बॉस इसको छोड़ दो नहीं तो मैं बहुत बुरा करूँगा ट्रेवर तुम्हारे साथ में। मैंने बोला यार जो करना है कर ले मेरे प्यार लेस्टर, कुछ नहीं कर पाएगा फिलहाल, मैं एक काम करता हूँ जल्दी से गैरेज में जा करके भाई बाला वालों को बोल देता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बट अगर ये बंदा छूट गया ना फिर मैं तुम्हें सभी को मारूंगा बहुत बुरा। मैंने गैरेज में आकर के बाला वालों को सारी बातें समझा दिया, बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर भाई टेंशन क्यों ले रहे हो आप, जितने बंदे ऑफर देते हैं हम उसका डबल कर देते हैं, इन दोनों भाइयों ने हमें 500 मिलियन का ऑफर तो दे दिया है अभी तक, हमने उसका 1000 कर दिया आपके लिए, बस आप 1000 दे दीजिएगा हमें। अबे यार ये तो लूट के फेंक देंगे मुझे सच्ची में बाला वाले बंदे, ये दोनों भाइयों ने 500 का ऑफर दे दिया कि 500 मिलियन डॉलर तुम्हें देंगे, हमें छोड़ दो हमें भगा दो यहाँ से, और टकलों को मैंने बोला था कितने प्राइस हो मैं डबल दूंगा, भाई 500 के 1000 देने पड़ेंगे यार, अरे रे रे रे, अबे मुकेम्बो पागल है तू, अबे क्यों चक्कर में पैसे बढ़वाए जा रहा है यार, वैसे ही मेरे पे पैसे काफ़ी कम है, वैसे तो आ गए हैं बट फिर भी क्यों चक्कर में पड़ रहे, बाले वाले के भाव बढ़ा रहा है, 1000 मिलियन इनको दूंगा पागल हो जाएंगे, इनको भी 5 क्रेट देनी पड़ेगी भाई, आपको पता है मेरे पास बहुत सारी क्रेट्स है 200 की, 5 देनी पड़ जाएगी इनको नमूनों को। भाई मुकेम्बो कोई फ़ायदा नहीं पैसे बढ़ाने से, कुछ नहीं होने वाला, हद है यार इनको 1000 मिलियन का प्राइस चला गया, मैंने तो सोचा था 100 मिलियन का है, 1000 मिलियन देने पड़ेंगे बाला वालों को नमूनों को, इन्होंने कभी 1000 मिलियन सपने में नहीं देखे होंगे। ठीक है भाई ठीक है, टेंशन मत लो, जितने भी ये बोलेंगे मैं डबल दे दूंगा, बट इनको पीटो ताकि प्राइस और ना बढ़ा सके, मेरा नुकसान होते जा रहा है यार। मैंने बाला वालों को समझा दिया, बाला वाले बोल रहे ट्रेवर भाई कुछ भी हो जाए अपनी जान दे देंगे, पूरी बाला वाली गैंग मर जाएगी बट आपके इन दोनों बंदों कहीं जाने नहीं देंगे। पहली बार बाला वाले मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं, क्योंकि देखो भाई यहाँ वहाँ से आर्मी इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, बाला वालों को अपनी आर्मी बना लो ना, बाला वाले बहुत बंदे लोस सैंटोस में, ये इनकी भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनको अगर ढूंढने में निकालोगे ना हज़ारों की संख्या में मिलने वाले आपको सारे के सारे बंदे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होना है, मेरे को लगता है काम चल जाएगा, काम चल जाएगा फिलहाल के लिए, तो अगर बाद में मेरे को ऐसा लगेगा नहीं हो पाएगा तो फिर बढ़ा लेंगे। पॉइंट ये है, मैरी ने मेरे को बोला अभी लेस्टर के KGF कुछ बंदे फेम और शेम में घुस चुके हैं, शूटिंग के टाइम चलते हुए, मतलब शूटिंग चल रही थी बीच में घुस गए, अब ये पता नहीं क्यों यार फेम और शेम में अब क्या करने के लिए गए हैं, अब फेम और शेम इसकी भी कुछ वजह हो सकती है ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ भी कर रहा है ना लेस्टर उसकी ज़रूर वजह है। भाई मैं पहुंच चुका हूँ फेम और शेम में, देख रहे हो कितने ज़्यादा पुलिस वाले बंदे यहाँ पे आकर के रखे हुए हैं, पता नहीं भाई क्या चलने में लगवा, एक काम करता हूँ वॉच को यूज़ कर लेता हूँ अंदर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि ये तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर इसका मतलब अभी बंदे हैं, देखो कैसे खड़े हुए सारे सारे बंदे। ऑफिसर टेंशन मत लो, अभी ट्रेवर नाम का मुर्गा आ चुका है, ये कहीं पर भी घुस जाता है, इसके पास वॉच जो है ना टेस्टर जी की, कमाल की चीज़ है, टेस्टर जी मर गए बट अब नहीं एक ऐसी चीज़ दे करके चले गए जो हमेशा मेरे काम आने वाली है। तो फिलहाल भाई मैं अंदर पहुंच चुका हूँ, नमूनों को पता नहीं चला, सोच रहे होंगे हवा से गेट खुल गया, ये बहुत सारे बंदे और ये बंदे भाई अपने लॉस सैंटोस के नहीं लगते दिखने में, ये गैंग अलग है भाई, कोई अलग टाइप के बंदे, देखो मुर्गा बन के रखा है बीच में से काले मतलब लाल बाल कर लिए, ये अलग ही लेवल का नमूना है। तो फिलहाल पता नहीं है कौन, पता चल जाएगा, नीचे निकलता हूँ मेन एरिया में जहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, तो लेस्टर ने इनको भेजा है तो इसका मतलब KGF के लिए काम करते सारे सारे बंदे, तो लेस्टर के लिए काम कर रहे हैं आजकल। ये लेस्टर को कौन सी पोस्ट पे बैठा दिया KGF वालों ने जो इसकी इतनी बात मान रहे हैं, KGF के वो दोनों बंदे, वैसे दो ही बचे हुए हैं फिलहाल, एक तो वो लिपस्टिक वाला और उनका मेन पापा, और ये लेस्टर पता नहीं भाई कौन से पोजीशन पे गया फिलहाल तो। ओके भाई यहाँ पर भी काफ़ी बंदे चल रहे हैं, और कितने बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या चल रहा है। ओके भाई एक चाचा बीच में जो है ताली बजाने में लगा हुआ है, और ये क्यों पता नहीं ताली बजा रहा है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, और ये भाई सब लगता है इसको बोल रहे हैं चलो नाच, इसलिए ताली बजा रहा है, नाच 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 पड़ा, और से तेरा परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगता है भाई ये यहाँ का जज होगा, और इसको यहाँ पे खुद ही नचवारे में लगे हुए हैं, अमेजिंग लेवल है भाई, ये कभी नहीं सुधरने वाले माफी वाले बंदे। मैंने बंदों की बातें सुन ली है भाई, इसको ही किडनैप करने के लिए आए बंदे, चाचा जिसको नचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, इसी बंदे को किडनैप करने के लिए आए बंदे, लेस्टर ने बोला है सारा काम करने के लिए, अब पता नहीं क्यों बोला, देखो इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये बात तो हमें तभी पता चलेगी जब लेस्टर को हम पकड़ लेंगे।
क्योंकि इसका कुछ मेरे को आइडिया बिल्कुल नहीं है भाई सच्ची में कि आखिर इसको क्यों किडनैप करा, क्योंकि मैं इसको कभी नहीं जानता। इसका मतलब लेस्टर इसको जानता है और लेस्टर का इससे कुछ लेना देना है, फायदा पता लगा लेंगे कि आखिर इस बंदे को क्यों किडनैप कर रहा है। कर लेने तो भाई, मैं इसको जानता ही नहीं तो इसको बचाए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको बचाने के चक्कर में बहुत बंदे मारने पड़ेंगे और बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। निकलता हूँ यहाँ से, पुलिस वाले जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। एक होस्ट मतलब एक जज को उठा रहा है, जज से क्या लेना देना लेस्टर का, कुछ तो है। चलिए निकलते हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को भी एक जगह पे जाना है। मैं वहाँ से जल्दी भी इसलिए निकल गया क्योंकि मेरे को भाई अभी मैरी का फ़ोन आया है। मैं आपको चलते चलते सारी बात बताऊंगा, क्योंकि ये बात सुनने के बाद बहुत अजीब बात लगी मुझे केजीएफ वालों की। केजीएफ वाले बहुत बड़ा प्लान खेल रहे हैं, या तो मेरे साथ या फिर लेस्टर के साथ। भाई मैरी ने मेरे को फ़ोन करके ये सारी बातें बोली है कि अभी ना लेस्टर सारी पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा था केजीएफ की, उसको भाई ये खबरियों ने खबर दी है और बिल्कुल सही खबर लग रही है मुझे। मतलब कि केजीएफ की बहुत सारी पावर्स है, आपको पता है केजीएफ में लेवल्स होते हैं, जो लेवल्स पे बंदा है उसके हिसाब से बंदे उसकी बातें मानते हैं। तो लेस्टर ने भाई उनको बोला, मेन बॉसेस को, कि अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए ट्रेवर को पकड़ने के लिए, बाकी और चीज़ों को करने के लिए, तो मुझे पावर्स चाहिए, मुझे मेन रोल दो, तभी मैं सारा काम कर सकता हूँ। लेस्टर ने इसलिए बोला क्योंकि लेस्टर अभी भाई पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो सभी बंदों को यूज़ नहीं कर पा रहा, तभी तो वो अभी तक मुकेम्बो और बाकी बंदों को नहीं छुड़ा पाया। उसके अंडर में कुछ ही बंदे आते हैं जो उसकी बातें मानते हैं, उसको पूरी केजीएफ की पावर चाहिए भाई, इसलिए उसने डिमांड रखी है। और मैरी ने बोला मुझे फ़ोन करके कि उसके खबरियों ने ये बोला है और उसकी डिमांड पूरी कर ली है केजीएफ वाले बंदों ने, अभी हमारे लेस्टर को टेम्प्ररी केजीएफ का बॉस बना दिया गया है कुछ टाइम के लिए। अब ये परमानेंट रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, बट फिलहाल उसको बॉस बना दिया भाई। समझ गया मैं केजीएफ वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोस्त से ही दोस्त को मरवाना सोच रहे हैं। सोच रहे होंगे कि बड़ा मजा आएगा, इन दोनों में से चाहे कोई भी मर जाए उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। मान लो भाई लेस्टर मुझे मारेगा उनका फायदा होगा, मैंने लेस्टर को मार दिया तब भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लेस्टर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है लेस्टर से, लेस्टर मेरा दोस्त है, दोनों तरफ से मेरा ही नुकसान होने वाला है। केजीएफ तो खेल गई भाई, और ये लेस्टर नमूना बेवकूफ बनते जा रहा है। अबे भाई पावर्स होने से कुछ नहीं होता, वो तो तेरा यूज कर रहे हैं भाई, अमेजिंग लेवल है। और लेस्टर को ऐसा लग रहा है अभी मैं केजीएफ का बॉस बन गया हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलिए भाई फैसिलिटी में चलते हैं, जहाँ पे इस वक्त उसको बॉस बना दिया गया है और सारे बंदे उसको बॉस बनने के बाद सेलिब्रेट करने में लग रहे हैं सारी बातें। मजेदार भाई, केजीएफ का नया बॉस लेस्टर। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, यही है वो डायरेक्शन जहाँ से मेरे को जाना है, और पानी के नीचे पहुँचते पहुँचते फिर मेरे को पहुँचना पड़ेगा। ड्राइवर भाई जल्दी से काम करता हूँ, गाड़ी से सिलेंडर लगा के पहन लेता हूँ और पहुँचता हूँ जगह पे और देखता हूँ आंखों से अपनी लेस्टर की पूरी सच्चाई। चलिए भाई निकलते हैं फटाफट। भाई मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ पानी में बहता बहता, थोड़ा और टाइम तो देखो अभी लगने ही वाला है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। अमेजिंग यार, वैसे ये जो इनका मेरे को फैसिलिटी और बेस है सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इतना सीक्रेट यार कोई जगह पे किसी का आज तक बेस ही नहीं है, अमेजिंग लेवल का बेस है इतने पानी के नीचे। पता नहीं किसने सोचा था कि भाई ऐसी जगह पे हम बेस बनाएंगे, पुलिस तो क्या भाई कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हमें भी पता नहीं चलता कभी ज़िंदगी में। अगर वो हेलीकॉप्टर मेरे को ले करके नहीं जाता तो मेरे को कभी पता ही नहीं चल पाता उसके बारे में। फिलहाल तो अभी मेरे को और भी बहुत नीचे जाना पड़ेगा पानी के, तब जा करके उन्होंने उसको बना के रखा कि पाताल में बना दिया पूरा का पूरा। केजीएफ का ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है। लेस्टर नमूने आ रहा हूँ मैं तेरे पास में। फिलहाल तो लेस्टर ने भी लाइफ में पहली बार ये बेस देखा होगा, क्योंकि लेस्टर को पहले नहीं पता था, सिर्फ मैं ही वहाँ पर गया था, बट अभी लेस्टर ही पहुँच चुका है। तो चलिए भाई चलिए, चलते 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 थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। पिछली बार तो मैं थोड़ा फास्ट चला गया था क्योंकि मेरे को हेलीकॉप्टर ने हेल्प कर दी थी, बट अभी मेरे को खुद ही मैनुअली जाना पड़ रहा है तो इसलिए टाइम लगने वाला है। तो अभी मैं दुश्मनों के एरिया में घुसने वाला हूँ। क्या पता बंदों ने यहाँ पे कैमरा लगा के रखा हो, जो वाटरप्रूफ कैमरा हो, पानी में काम करते हो, दूर से मेरे को देख ले आते हुए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वॉच को यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास गायब होने की फैसिलिटी है, सब सही रहेगा। तो ट्रेवर ब्रो नीचे निकलो, नीचे निकलो। बहुत भाई मैं फैसिलिटी में पहुँच चुका हूँ, देख रहे हो भाई क्या चलने में लग रहा है। अब बंदे पार्टी कर रहे हैं, देखो सारे के सारे बंदे। हमारा फिर लेस्टर कहाँ पे, ओ भाई लेस्टर का स्वैग लेवल देख रहे हो, कैसे बैठा हुआ है चेयर पे। लेस्टर सच्ची में बॉस बन गया केजीएफ का, यार मैंने सोचा नहीं था ये केजीएफ वाले बंदे पागल होकर के रखे हुए हैं इन्होंने। मतलब मुझे पकड़ने के लिए, सारा काम करने के लिए, अपने बॉसेस को बचाने के लिए केजीएफ का बॉस लेस्टर का बना दिया। चलो बढ़िया बात है, लेस्टर नमूने तो कैसे हैंडल कर पाएगा, तू बॉस लगता है किसी एंगल से। ओ भाई ड्राइवर की नकल पूरी की पूरी, देख रहे हो ये डेढ़ पैर का बंदा। अबे भाई साहब सब इसे चल नहीं पाता, तो केजीएफ को हैंडल करेगा। मंत्र जगर रहा तेरे को, इतना पीटू इतना पीटू, सही में तेरा इलाज कर दो। बट फिलहाल कोई बात नहीं, पार्टी कर रहे हैं भाई नए बॉस की, नए बॉस का स्वागत है। नया बॉस तो फुल एटीट्यूड में बैठा हुआ है भाई, देख रहे हो। तो चलो इन बंदों की हमें बातें सुन लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे को कुछ पता चले कि आखिर क्या बातें सारी हुई है जो इसको सच में ही बॉस बना दिया। मैरी की खबर ही बहुत अच्छी है भाई, ये सीक्रेट खबर उसको कैसे मिल गई भाई। मैंने इन बंदों की थोड़ी देर खड़े होकर बातें सुन ली है, जैसा मेरा आइडिया था बिल्कुल सच में ऐसे ही हुआ।
लेस्टर ना भाई कुछ कर नहीं पा रहा था मुकेम्बो को और अपने प्यारे विजय को छुड़ाने के लिए। आपको याद है जब मैं माइकल घर पे था, मेरे को फोन करा था, मैंने बोला जो करना है कर ले, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो लेस्टर बहुत दुखी था क्योंकि लेस्टर की बात अभी बंदे इतनी ज्यादा नहीं मान रहे थे केजीएफ में, क्योंकि आपको पता है केजीएफ के बड़े बॉस होंगे तो आपकी बातें सारी टीम मानेगी, नहीं तो नहीं मानती। तो सीधा फिर केजीएफ के पास मतलब बॉस इससे बातें करी, लेस्टर ने बोला कि आपने एक तो मुझे ज्वाइन करवाया अपनी गैंग में और ऊपर से मेरे को पावर्स नहीं दे रहे, तो मैं रिजाइन करता हूँ। लेस्टर चला गया रिजाइन करने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको अपने बॉस से छुड़ाने तो मुझे पावर्स दीजिए, पूरी केजीएफ मेरे हाथ में दीजिए। और उन बंदों ने इसकी बात मान ली भाई, इसको पूरी पावर्स दे दिए केजीएफ की। तो तभी ये अभी देखो ये मेरे ऊपर इसका मतलब अटैक ज़रूर करेगा भाई, तब तो ये नहीं कर सकता था जब इसने फ़ोन करा था, बट अभी भाई ये कर सकता है क्योंकि अब इसको बॉस बना दिया गया है, उसके बाद ये सारा काम हुआ है। अबे लेस्टर तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, केजीएफ की सॉरी पावर्स इसके पास है, अब ये कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी यूज़ कर सकता है। मैंने बाबा से आकर के बातें कर ली, फिलहाल पत्थर पर खड़े हुए आज भी, मैंने सोचा कोई कमाल की बात मुझे बताएंगे, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बोला ट्रेवर थोड़ा इंतज़ार करो। मैं समझ नहीं पा रहा बाबा की और मेरे से क्या करवाना क्या चाहते हैं। बाबा आपने लेस्टर को बॉस बनवा दिया, केजीएफ का सिचुएशन ऐसी बदली, आपने बोला था उसके पापा को मार दो, सच्ची में तब से बहुत ज़्यादा खराब काम चल रहा है सच्ची, पर बाबा कुछ हेल्प नहीं कर रहे, तो लगता है भाई अभी भी कुछ देखना पड़ेगा, इससे भी बुरा और कुछ होने वाला आएगा। अब तो ये हमारी कमर तोड़ के रख देगा दोनों की, क्योंकि भाई ये तो बहुत गुस्सा है मुझसे और सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेगा। अब पता नहीं मुकेम्बो और विजय के तो कब तक मैं बचा पाऊंगा। फिलहाल मैरी का फ़ोन आ चुका है, मैरी ने एक बात और बोली है मुझे फ़ोन करके कि ट्रेवर जैसे ही लेस्टर के हाथ में पावर आई ना, उसने काम करना शुरू कर दिया है, उसने सबसे पहले लोकल गैंग्स को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। तुम एक जगह पे जाओ, वहाँ पे लोस्ट वाले वेगोज वाले बाकी और भी गैंग के बंदे हैं जो केजीएफ के साथ ज्वाइन हो गए। हम भी जाकर के देखते हैं भाई आखिर कौन कौन केजीएफ के साथ मिल गए हैं। उससे क्या है ना, मेरे दिमाग में फिर ये रहेगा कि ये बंदे केजीएफ के साथ काम कर रहे हैं, फिर ताकि मैं उन बंदों से हेल्प ना लूँ, कभी मैं उनसे हेल्प लेने के लिए जाऊँ और मैं फंस जाऊँ, पहुँचता हूँ जल्दी से एरिया पर और चेक करके आता हूँ। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, ये जगह आप लोगों को याद ही होगी भाई, यहाँ पे वेगोज वाले बंदे हैं, बाकी और भी कोई अलग अलग गैंग है। सामने आप देख रहे हो ब्लू टी शर्ट वाले लिपस्टिक वाले बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये केजीएफ के बंदे हैं, इनके लिए ऑफर लेकर के आए होंगे। काफ़ी अलग अलग गैंग हैं, कुछ प्राइवेट बंदे हैं, बाकी और भी कोई और बंदे हैं, बंदे बहुत सारे हैं यार सही में। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है एक दो गैंग को छोड़ करके बाकी सारी गैंग सारे, अरे बाला वाला बंदा यहाँ पर है अभी भाई, बाला वाले भी तो नहीं मिल गए ना केजीएफ के साथ में कभी भाई, मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ इतने पैसे दे के। नहीं भाई यार वो बंदे अलग है, ज़रूरी नहीं सभी बाला वाले इनके साथ मिल गए होंगे, ऐसा तो नहीं है यार, कभी ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो मैंने उनको $1,000,000,000 देने का वादा भी कर दिया, वो मेरे पैसे भी ले ले, और कभी फिर मुकेम्बो को उनको लेकर के भी भाग जाए। मैरी को फ़ोन करके बोलता हूँ, मैरी जी मुझे लगता है गड़बड़ है, फ़ोन आगे जाकर करूँगा, कहीं बंदे मेरे फ़ोन देख लेंगे यार, वो बंदे भरोसे के है भी नहीं है। वैसे बाला वाले सच्ची में किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ पैसे के सगे हैं, तुम ज़्यादा पैसा दो वो तुम्हारी तरफ हो जाएंगे, बहुत बुरा काम हो रहा है। मैरी का फ़ोन मेरे पास आया है, आज लेस्टर ने पूरा भाई अपना रंग रूप और पूरी औकात दिखा दी अपनी। इससे पता चलता है कभी भी दोस्त के ऊपर इतना भरोसा मत करो कि उसको अपनी भाई प्रॉपर्टी या फिर अपनी कोई ज़मीन नाम उसको करा दो आप। भाई क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, अभी जब मैं पास में वापस आया था तो मेरे पास मेरा घर नहीं था, ठीक है, वो एक हसमुख चाचा के पास था, तो मैंने उसको पैसे दे करके $3-4 million मैंने उससे ले लिया था। और मैंने फिर क्या किया, जल्दी जल्दी बोला कि भाई उसके पेपर से एक काम कर लेस्टर, तू जल्दी से ट्रांसफ़र करवा ले। तो लेस्टर ने बोला कि यार अभी ये ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेवर, तेरे नाम करवाने में पेपर्स कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं लेस्टर, तू उस मेरे घर के पेपर्स को अपने नाम पर करा ले, एक ही बात है, तेरे नाम पर घर होगा मेरे नाम पर होगा, घर हमारा ही रहेगा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पता चलता है दोस्तों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर लड़ाई होती है ना तो दोस्त सबसे पहले उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है तुम्हारी सबसे ज़्यादा बड़ी कमजोरी क्या है, क्या कमी है। दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं बन सकता, ये सच्ची बात है। तो फिलहाल उसने वही वाला काम किया, उसने सबसे पहले जा कर के मेरे घर पे कब्ज़ा करा। सीधी सी बात है ऑफिशियली मैं कुछ कर नहीं सकता, वो उसी के नाम पर रजिस्टर है भाई, मेरा जो घर है। अभी वो मेरे घर पर जाके बैठ के अपने गार्ड्स को लेकर के वो वहीं पर रहा करेगा। हाँ मैं पहुँच चुका हूँ अपने गद्दार दोस्त के पास में। फिलहाल लेस्टर अच्छा दोस्त नहीं निकला, इसने मेरी बात पे यकीन नहीं करा, इसने मेरी बात सुननी भी नहीं चाहिए। मुकेम्बो की बात में आकर के इसने सीधा लड़ाई करना शुरू कर दी। अबे भाई कम से कम सुन तो लेता, अरे रे 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 एक और एंटीना यहाँ पे घूम रहा है, हेलो बेटे क्या हाल चाल है, ये अपना नहीं है भाई, होता तो एकदम आ जाता मेरे पास में। फिलहाल एंटीना भी काफ़ी फेमस हो रहे लोस सैंटोस में, काफ़ी छोटा डॉगी है, आराम से इसको यहाँ वहाँ पे लेकर कोई भी जा सकता है, और क्यूट है, समझदार है, आराम से ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता, खाता भी कम है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मेरे घर पे गाड़ियाँ गार्ड्स देख रहे हो, केजीएफ की पावर्स आते ही रंग रूप बदल गया, अपने आप को मिसाइल समझ रहा है, पहले छोटी गोलियाँ था अभी मिसाइल समझ रहा है अपने आप को। अरे भाई साहब तुझे क्या पता लेस्टर, तो वो 2 inch की गोली रहेगा भाई, तू ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता भाई लेस्टर। अरे रे 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 स्वैग लेवल देख रहे हो भाई, पहले केजीएफ की फैसिलिटी में था, अब मेरे घर पर आके स्वैग लेवल में उसी चेयर को मंगा के यहाँ पे बैठ गया। अरे एंटी ने धोखेबाज, तूने तो मतलब तुझे तो भगा दिया था ना इसने,
ये क्या ड्रामा है भाई, एंटीना में चुपचाप आकर किसके पास बैठ गया, या तो फिर भाई इसको डरा के बैठा के रखा होगा लेसर ने मेरे पास में कि मेरे पास बैठ जाने तो तेरे को बहुत मारूंगा। बट यार ये तो बड़े प्यार से बैठा है, ऐसे कैसे यार, मैंने इसको अपने घर पे रखा, इसको खाना वाना खिलवाया, मैंने सोचा इसको भगा दिया लेसर ने, फिर इसको घर पे क्यों छोड़ा, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ भाई। जब तक मेरे को ये बाकी सच्चाई नहीं पता चलेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। और लेसर को अभी मैं नहीं पीटूंगा, काफ़ी गार्ड्स यहाँ पर हैं, लेसर को अगर मैंने अभी पीटा ना तो सारी कहानी ख़राब हो जाएगी, मेरे को लेसर का प्लान जानना पड़ेगा। लेसर बहुत तेज़ बंदा है, ये करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, ये कुछ प्लान बना के यहाँ पे बैठा हुआ है, और अगर मैंने इसको भी पीटा क्या पता मैं इसके प्लान में फंस जाऊँ। बहुत ज़्यादा तेज़ बंदा है ये, नमूना हैकर ऐसे नहीं बना, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये मेरे को उकसा रहा है जानबूझ के कि ट्रेवर परेशान हो, क्योंकि मैं ट्रेवर से काफ़ी चीज़ें छीन रहा हूँ, तो ट्रेवर जानबूझ के मेरे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसने लीगली घर कब्जा लिया है, तो ये जानबूझ के चाहता है मैं लड़ूँ। मैं लड़ूंगा नहीं अभी बेटे, क्योंकि मैं लड़ने पर आ गया ना लेस्टर तो 2 मिनट में तो मर जाएगा। फिलहाल एंटीना बेटे ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तूने धोखा दिया मुझे। अरे चलो कोई बात नहीं यार, वैसे है तो ये इसी का ही, मतलब डॉगी तो इसी का ही है, असल में है तो लेस्टर इसका ही, ओनर तो इसी का ही है, इसने सोचा मेरा लेस्टर वापस आ चुका है, माफ़ कर दिया। आपको पता है डॉगी इसके दिल कितने बड़े होते हैं, वो फटाफट से अपने ओनर्स को माफ़ कर देते हैं, इसलिए एंटीना ने सोचा लेस्टर सुधर चुका है, माफ़ कर दिया। अबे नमूने जब तेरे को इसको लेना ही था तो छोड़ा क्यों था बे, मैंने सोचा मेरे को एक पार्टनर मिल गया। तो भाई फिलहाल अभी बात ये है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, बस यही बात है और कुछ बात ही नहीं है। हमारा होम स्वीट होम फिलहाल लेस्टर नमूने ने कब्जा लिया, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम तक नहीं कब्जा पाएगा, इसका नेता तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, कोई ना कोई कमी तो इसने ज़रूर छोड़ी होगी। अभी तो केजीएफ की पावर के ऊपर उछल रहा है ना, मैं भी अपनी पावर इकट्ठी करना शुरू करता हूँ। एक काम करते हैं, आपको पता ही है मेरे को सब चीज़ पता है, मैंने फ्यूचर देख के रखा हुआ है, मेरे को पता है कौन बंदा मेरे साथ देगा कौन नहीं देगा, तो मैं उन्हीं बंदों से जाकर कॉन्टैक्ट करता हूँ, उनकी टीम को जल्दी से बुलाता हूँ और केजीएफ की बैंड बजाता हूँ, ये सबसे मस्त रहेगा। इस लेस्टर को घुटने पे ला के रख दूंगा मैं, आज ये बन रहा है बॉस, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा माफिया समझ रहा होगा ये नमूना, इसका पता नहीं है ट्रेवर ने छींक मार दी ना तो लापता हो जाएगा, 100 साल लग जाएंगे ढूंढने के लिए कि लेस्टर नाम का नमूना कहीं था भी, इतना दम है ट्रेवर के छींक में। हाँ दे भाई साहब, ऐसे ऐसे नमूने भी तो उछलते हैं। तो इस काम के लिए जैसे कि मैंने आपको बोली दिया, अभी हम अपनी गैंग इकट्ठा करेंगे, अपनी पावर्स इकट्ठा करेंगे। मैंने अब तक अपनी पावर्स इकट्ठा नहीं करी क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना भाई पास्ट में आए हुए, तो इसलिए मेरे को अपनी पावर्स इकट्ठा करता हूँ सबसे पहले मैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं केजीएफ और बाकी चीज़ों को कि ट्रेवर आखिर कितनी बड़ी तोप है। मैंने इतना लंबा फ्यूचर देख के रखा है तो मेरे को सब पता है कौन सी गैंग कहाँ पे है। शैतान गैंग आपको पता है एक और बहुत खतरनाक गैंग है, मुझे पता है शैतान गैंग को अब की बार अपनी बोतल में कैसे उतारना है। लास्ट टाइम मैंने शैतान वालों को ख़त्म कर दिया था, अब की बार नहीं करूँगा, मुझे पता है वो बंदे साथ हो सकते हैं, ऐसी बहुत मेरे दुश्मन है जो मैं अपने साथ में कर सकता हूँ, यही करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मुझे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो है मेरा माइकल दोस्त। मैरी का फ़ोन मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला है माइकल मुसीबत में है, उसको नॉर्मल जेल में नहीं रख रहे ट्रेवर, उसको मेन जेल में लेकर के जा रहे हैं बंदे, इससे पहले उसको मेन जेल में लेकर के चले जाए, जाओ उसको जाकर के बचाओ। तो मेरे को अपने दोस्त को बचाना पड़ेगा। सामने प्रिजन बस मेरे को दिख चुकी है, एक काम करता हूँ बैलेंस बिगाड़ता हूँ मेरी प्यारी प्यारी बस का। मेरी प्यारी बस माइकल टेंशन मत ले, आराम से सब कुछ सही हुआ। अरे भाई कद्दू कुछ नहीं हुआ, ये सीधी की सीधी ऐसी गिर गई। तो फिलहाल अभी गोली मारते ड्राइवर को, ओके बेटे सो सॉरी। एक सिंगल बंदा ही लेकर के जा रहा था माइकल को, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। अबे चाचा आते माइकल, ओके मैं आ गया तेरे को बचाने के लिए, टेंशन मत ले अभी उतर जा। भाई माइकल उतर चुका गाड़ी से, मतलब कि प्रिजन बस से, बट हमें फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शायद से मरते हुए बंदे ने क्या कर क्या दिया, अलार्म किया सेट या कुछ तो किया यार, बट बंदा को पता चल गया जिसके आप देख रहे हो पुलिस वाले 2 स्टार यहाँ पे आ रहे हैं। माइकल बेटे मुंह छुपा ले क्योंकि मेरी गाड़ी है, ब्लैक शीशे भी नहीं है। अरे दोनों फंसेंगे, मैं तो गायब हो जाता हूँ ताकि पुलिस वाले मेरे को देख ना सके। नमूने तेरे को तो देख के रखा ही है, ठीक है ना, टेंशन नहीं होने वाली, अभी तो आराम से यहीं पर है, कम से कम तेरे ऊपर ही केस लग जाए, मेरे ऊपर तो ना लगे, आराम से। बहुत बढ़िया, तो फिलहाल पुलिस वालों की सर्विस इतनी अच्छी हो गई है। अबे यार माइकल तू भी बेवकूफ है, लेस्टर के चक्कर में आकर के तूने ऐसे ऐसे बुरे बुरे काम कर दिए। पुलिस वाले इस गाड़ी के सामने मत आ भाई, ये गाड़ी कोई नॉर्मल कार नहीं है। अच्छा वो भाई आज मैं बगी लेकर के आया हूँ, रोक लो रास्ता रोक लो और रोक नहीं पाओगे, ये ले बैठे, ये सही है भाई, इसमें तो कितनी टक्कर लगनी है, लगाओ कोई टेंशन नहीं है, टक्कर मारते रहो मजा आएगा टक्कर देखने में, क्योंकि ये रैंप बगी है भाई, ये मजा उड़ा देती है, जहाँ पे टक्कर मारती है वही बंदा नेता बन जाता है। फिलहाल पुलिस वाले भाई हट जा, तो मेरे को टनल में जाना पड़ेगा और मैं बस पहुँच ही गया वहाँ पे, थोड़े टाइम बाद पहुँच ही जाऊँगा मैं आराम से। ये गाड़ी में काफ़ी वेट था भाई, इसने तो मेरी पूरी गाड़ी का बैलेंस ही बिगाड़ दिया। ड्राइवर भाई हट जा रहे हैं यार, ये देखो नमूने माने गरी माइकल, आराम से ऐसे ही करना पड़ेगा, ये नमूने नहीं तो नहीं मानने वाले बिल्कुल भी। वैसे इस बगी के सामने पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, 3 स्टार हो चुके हैं। अरे बस फिलहाल भाई हम लोग पहुँच ही गए हैं, मुश्किल से 1 मिनट बाद हम उस टनल में पहुँच जाएंगे जहाँ पे पुलिस वाले कद्दू कुछ नहीं करने वाले। बस मैं पहुँचने वाला हूँ भाई, हट जाओ कुछ नहीं कर पाओगे इस गाड़ी के सामने, तुम लोग फेल हो भाई, हट जाओ। फाइनली पहुँच चुके हैं भाई टनल में, अब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माइकल मेरे प्यारे लाडले भाई,
अभी मैं तेरे को लेकर के चलता हूँ बंकर में, ठीक है? वहां पर रहेंगे दोनों भाई, मतलब तू ही रहना फिलहाल, मेरे को तो पुलिस वाले ने देखा ही नहीं है। ये बोल दूंगा भाई मेरी गाड़ी तो नहीं थी, ऐसी गाड़ी का मेरे पास ही हो सकती है, माइकल कोई फ्रेंड आया होगा, उसने उसको बचा लिया होगा, मैंने कुछ नहीं करा। तो देखा जाए तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने बचाया है। थ्योरी बना सकते हैं पुलिस वाले के ड्राइवर ने माइकल को बचाया है, बट प्रूफ साबित नहीं कर पाएंगे। मैं तो गायब हूँ और मैं फुटेजेस डिलीट करवा देता हूँ उस वाले एरिया की, मैरी को बोल के। मैरी एक काम कर, हाईवे की सारी फुटेजेस डिलीट कर दे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इनविजिबल नहीं था भाई। मैंने मैरी को फोन करके बोल दिया है, वो डिलीट कर देगी फुटेज 5-10 मिनट में, साफ सारे कैमरे के फुटेज, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और लो भाई पुलिस जा भी चुकी है, बहुत बढ़िया। चलो माइकल निकलते हैं भाई, आज तेरे को सेफ जगह पे लेकर के चलता हूँ, पहुँचते हैं भाई। तो बस मेरे भाई अब फिलहाल इस वीडियो के सत्र हो तो। ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के सत्र, जब तक के लिए बाय।